हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। आपको इसका पहला पार्ट, जो पहला भाग है, वो आपको मिल चुका होगा। क्रिया में हम क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके थे बेटा, क्रिया के भेद पढ़ चुके थे। भेद दो प्रकार से होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ चुके थे, राइट? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, राइट? इसके बाद हम पहुँचे थे सॉरी इधर प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये देखिए यहाँ पर कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। कितने होते हैं? पांच। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है नामधातु क्रिया। क्लियर? तो हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया अर्थात जब क्रिया एक पद में हो, मतलब क्रिया का सिर्फ एक पद, एक शब्द ही हो जिसमें क्रिया हो रही हो, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के तौर पर देखिए, माला बाजार गई, यह आम का पेड़ है, माला बाजार गई और यह आम का पेड़ है। इसमें एक एक क्रिया शब्द है, गई और है, तो इस क्रिया का एक पद है, अतः यह सामान्य क्रिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम संयुक्त क्रिया पर। संयुक्त क्रिया यानी संयुक्त मतलब होता है जुड़ी हुई। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे बढ़ई कुर्सी बना रहा है, रूपम नाच रही है, तो रहा है, बना रहा है, ये दो हो गई ना। इसमें बना रहा है, बना और रहना, नाच और रही, ये दोनों क्रियाएं हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। ये देखिए, बढ़ई कुर्सी बनाना मुख्य क्रिया है और रहा है इसकी सहायक क्रिया है। ऐसे ही रूपम नाच रही है, नाचना मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया है। तो ये हो गई दो क्रियाएं, दो क्रियाएं एक पद का संकेत कर रही हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, इसके आगे है नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया क्या है? जिससे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनसे बनी हुई क्रियाएं नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे किराएदार ने मकान मालिक का घर हथिया लिया। अब हथिया लिया तो हाथ से बनता है हथिया लिया है। इसी प्रकार देखिए, मैंने अपनी कमीज रंगवाई, रंग से रंगवाई। तो कुछ नामधातु क्रिया इस प्रकार हैं। संज्ञा से नामधातु क्रिया यानी रंग, रंगवाया, हाथ हथियाया, हथियाना, टक्कर टकराना, खर्च खर्चना, लज्जा लजाना, आलस अलसाना, झूठ झुठलाना, चक्कर चकराना, फिल्म फिल्माना, राइट? अब सर्वनाम से नामधातु क्रियाएं देखिए, अपना अपनाना, मैं मिमियाना। विशेषण से नामधातु क्रियाएं, गर्म गर्माना, साठ सठियाना, लंगड़ा लंगड़ाना, दोहरा दोहराना, राइट? इसके आगे चौथी क्रिया जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर क्या होता है? प्रेरणा देता है कर्ता, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, अन्य को, किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है। तो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है। अब प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है, तोता खा रहा है ना, प्रिया केवल खाने के लिए प्रेरित कर रही है। माँ धोबी से कपड़े धुलवा रही है, माँ ने कपड़े नहीं धोए, धोबी ने कपड़े धोए, तो हो गई ये प्रेरणा देने वाली क्रियाएं, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक में भी कौन कौन सी होती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसे होती हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक? देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक मतलब इस क्या होता है, इस क्रिया में क्या करते हैं हम, क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है। कैसे? पढ़ आ, पढ़ाया, लिखाया, सुलाया, प्रथम में। और द्वितीय में क्या होता है? पढ़वाया, लिखवाया, बनवाया। ठीक है, अब आगे समझने के लिए आप देखिए एक बार इन क्रियाओं को ढंग से। दौड़ना सामान्य क्रिया है, जबकि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? दौड़ाना, दौड़वाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, बनना, बनाना, बनवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, कटना, कटाना, कटवाना, राइट? ये होगी प्रथम, और ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सारी।
और ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, ये प्रथम और ये द्वितीय और ये सामान्य क्रिया। ठीक, अब आते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया पर। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो जाए, पूर्व में हो जाए, यानी पूर्व मतलब होता है पहले होना, उसे हम सॉरी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है, जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, रानी पढ़कर खेलने चली गई, तो रो रो कर पढ़कर इसमें कर जुड़ा हुआ है ना। तो ये सारी क्रियाएं यानी ये सभी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले घटित हुई हैं, पहले हो गई हैं। क्लियर, तो हो गया आपको ये क्रिया का चैप्टर क्लियर अच्छे से। सबसे पहले क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब सकर्मक अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ हो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, दो कर्म होता है उसमें द्विकर्मक, राइट। अब इसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गई सारी आपकी क्रियाएं कंप्लीट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको काल समझाऊंगी, क्लियर। तो टिल देन गुड डे ऑल ऑफ यू।